फ्रेंड्स, दिस इज प्रोशनजीत, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि कैसे एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन को आप अपने विंडोज जो लैपटॉप और डेस्कटॉप है उसमें आप कैसे रन करा सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके पास तो एक एंड्रॉयड मोबाइल होगा ही, उसमें आप गूगल प्ले स्टोर से बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, बहुत सारे गेम्स वगैरह आप वहां पे इंस्टॉल करते हो और अपने मोबाइल पे वो गेम प्ले करते हो। सो फ्रेंड्स, आपके पास अगर कोई हाई एंड मोबाइल ना हो, आपके पास जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है आपका मोबाइल का वो अच्छा ना हो, फिर भी आप चाहते हो कि वो वाला गेम जो आपका मोबाइल सपोर्ट नहीं करता है वो वाला गेम आप खेलना चाहते हो, तब ये चीज पॉसिबल है जब आप वो गेम इंस्टॉल कर पाओगे अपने पीसी और लैपटॉप में। जी हाँ फ्रेंड्स, सो आज का वीडियो इसके ऊपर है, सो एंड तक देखते रहिए। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल जितना भी एप्लीकेशन है वो आप कैसे अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप जहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है वहां पे आप इंस्टॉल कर सकते हो और यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसको करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर लगेगी, आपको आपके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है ब्लू स्टैक। ये वाला ब्लू स्टैक ये जो सॉफ्टवेयर है इसको आप गूगल में जाके सर्च कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा, ये वाली फर्स्ट वाली जो लिंक है। आइए इसको ओपन करते हैं। ठीक है, स्वीकार करने के बाद आपको ये जो सॉफ्टवेयर इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो डाउनलोड ब्लू स्टैक्स, इसमें क्लिक करते हैं। सो देखिए डाउनलोड ऑप्शन आ गया है, इसमें क्लिक करते हैं। देखिए मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, टोटल है 441 MB फाइल का साइज। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला है मेरा फाइल जो डाउनलोड हो गया है। अभी आइए इसको इंस्टॉल करते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, करने के बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। इंस्टॉलेशन चल रहा है, हो गया 100% कंप्लीट दिखा रहा है। कंप्लीट करने क्लिक कर देते हैं, बस क्लिक हो गया। सो अभी आइए देखिए मेरा डेस्कटॉप के ऊपर एक शॉर्टकट आ गया है, आइए इसको ओपन करते हैं। ये स्टार्ट हो रही है, ब्लू स्टैक्स 4 है इसका वर्जन। अभी देखिए अभी ये स्टार्ट हो गई है। सो फर्स्ट टाइम इसको सेट करना होता है, सो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ही रखते हैं। लेट्स ग्रो पे क्लिक करते हैं। देखिए अभी ये गूगल साइन इन करने के लिए बोल रही है, सो चलिए अभी कर लेते हैं। यहाँ पे फोन नंबर और जो ईमेल एड्रेस है यहाँ पे एक दे देता हूँ, ईमेल एड्रेस गूगल का। आप अपना जो जीमेल एड्रेस है आप वो चीज दे सकते हो। नेक्स्ट में क्लिक करता हूं, ये चीज अभी पासवर्ड मांगेगी, आप अपना जो जीमेल का पासवर्ड है वो चीज आप यहां पे दे दीजिए।
टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है। आई एग्री पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये वाली एकदम रेडी है यूज करने के लिए। सो स्टार्ट यूजिंग ब्लू स्टैक्स पे क्लिक करते हैं। देखिए ये वाला है मेरा जो डैशबोर्ड, वो मेरे सामने है एकदम। सो आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इसको डबल क्लिक करते हैं। यहां से आप बैक कर सकते हो जैसे मोबाइल पे हम लोग करते हैं, बैक बटन ये सभी है। कुछ भी है यहां पे, आइए एक कुछ एप्लीकेशन सर्च करके देखते हैं। ये देखिए सभी एप्लीकेशंस जो आप अपने मोबाइल पे यूज करते हो, एंड्रॉयड मोबाइल पे सभी एप्लीकेशन यहाँ पे अवेलेबल है। व्हाट्सएप भी है, आप यहाँ से वो चीज भी आप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। छोटा वाला एक मैप ऐप है, कोलकाता मेट्रो, पेटीएम, सब कुछ है। सो यहाँ पे आपका जो पसंदीदा जो भी ऐप है आप वहां से वो चीज आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैं एक आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, छोटा सा एक एप्लीकेशन है। जैसे आप अपने मोबाइल पे करते हो सेम प्रोसीज्योर है। देखिए डाउनलोड हो गई है, इंस्टॉलिंग। इंस्टॉलेशन कंप्लीट, ओपन करने के लिए बोल रहा है ये, तो आइए ओपन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए कोलकाता मेट्रो का जो ऐप है वो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर एकदम रेडी है। इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन को आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। फ्रेंड्स जब भी मैंने कोलकाता मेट्रो वाली वो जो ऐप है उसको मैंने इंस्टॉल किया गूगल प्ले स्टोर से, वो मेरा जो लैपटॉप का जो स्क्रीन है वो स्क्रीन के ऊपर देखिए आप कोलकाता मेट्रो वाली ये जो है ये इसका एक शॉर्टकट भी आ गया है, और ये जो ब्लू स्टैक्स है वो बैकग्राउंड में चल रही है। सो यहाँ पे डबल क्लिक करके भी जैसे हम लोग एक एप्लीकेशन को ओपन करते हैं वैसे आप किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को आप अपने डेस्कटॉप का जो शॉर्टकट है वहां से भी आप ओपन कर सकते हो। ये वाली आप टैब है, जितने आप यहाँ पे जितना आप ओपन करोगे एक एक टैब आपको ओपन होती जाएगी। यहाँ पे यहाँ पर भी आपको दिखेगी अलग से जो ब्लू स्टैक्स का जो डेस्कटॉप है वहां पर भी आपको दिखेगी अलग से। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप मिनिमाइज कर दो। सो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने कैसे एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया और मतलब हो गया काम आपका। तो अभी आप अपना जो मनचाहा जो भी गेम्स वगैरह है वो आप इजीली अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप पे आप इंस्टॉल कर सकते हो, वहां पे आप गेम को खेल सकते हो। वीडियो का अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दे देना और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। इस तरह वीडियो मिलाते रहता हूँ, तभी के लिए चलते, गुड बाय।